हेलो स्टूडेंट्स, तो लास्ट क्लास में हमने तीन थ्योरीज पढ़ ली थी स्ट्रक्चर ऑफ लिक्विड से रिलेटेड. ओके, फर्स्ट तो थी हमारी रैंडम मॉलिक्यूलर मॉडल, सेकेंड था हमारा क्वासी क्रिस्टलाइन मॉडल. ओके, थर्ड था हमारा बर्नियर और स्पॉट मॉडल, या फिर इसे कहें रैंडम पैकिंग मॉडल. ओके, ये तीनों हमने पढ़ ली थी. फोर्थ जो थ्योरी है आपकी वो है यहाँ पे आयरिंग मॉडल थ्योरी ऑफ लिक्विड्स, राइट. अब आयरिंग मॉडल थ्योरी में आयरिंग सबसे पहले एच आयरिंग नाम का साइंटिस्ट था. उसने जो है लिक्विड स्ट्रक्चर को जो है वो डिस्क्राइब किया. ठीक है, उसके सिंपलेस्ट फॉर्म को एक्सप्लेन किया, राइट. ओके, किस तरीके से किया? सिंपलेस्ट फॉर्म क्यों कह रहे हैं हम? क्योंकि यहां पर आयरिंग के द्वारा कोई मैथमेटिकल या कोई स्टेटिस्टिकल फॉर्म जो है डाटा यूज नहीं किए गए. सिंपल सी इसने बात करी थ्योरी के नाम पे. ठीक है, ओके. तो यहां पे जैसे कि मैंने कहा कि कोई स्टेटिस्टिक नहीं थी यहाँ पे. ओके, कोई मैथमेटिक्स नहीं थी. ओके, यहाँ पे सिंपली उसने एक थ्योरी दी और उसमें उसने कहा कि जो वाटर होता है, ये आपको जो डायग्राम दिख रहा है, ठीक है, ये क्या है? आपका वाटर वाला स्पेस है, या फिर वाटर नहीं कहूँ मैं, लिक्विड वाला स्पेस है. ठीक है, और ये आपका क्या है? गैस वाला फेज है. ओके, अब इसको आप इस तरीके से भी समझ सकते हो कि आपका बीकर है मान लो, राइट. बीकर में आपने कोई लिक्विड ले रखा है, इस तरीके से भी समझ सकते हो, दोनों एक ही बात है. ठीक है, तो यहाँ पे कहा कि ये जो लिक्विड होता है, इस लिक्विड के जो ये मॉलिक्यूल्स आपको दिख रहे हैं यहाँ पे सारे के सारे, ठीक है, ये मॉलिक्यूल्स जो है वो अपने स्पेस में पूरी तरह से ऑक्यूपाई करके रखते हैं. ये क्या करते हैं मॉलिक्यूल्स? लिक्विड के मॉलिक्यूल्स अपने स्पेस को पूरी तरह से ऑक्यूपाई करके रखते हैं, ज्यादातर जो है ये ऑक्यूपाई करके रखते हैं. ठीक है, लिक्विड्स के मॉलिक्यूल, जैसा कि हमने लास्ट थ्योरी में भी पढ़ा है, किस तरह से होता है कि ठोस तो जो है वो कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर बताता है बिल्कुल ही. ठीक है, मिनिमम स्पेस होता है उनके मॉलिक्यूल्स के बीच में, पर्टिकुलर ज्योमेट्री होता है. पर लिक्विड का क्या होता है? लिक्विड का जो है उसके बीच में थोड़ा बहुत स्पेस होता है, पर वो क्या करता है, ज्यादातर स्पेस अपना ऑक्यूपाई करके लगता है. पर यहाँ पे हम आयरिंग मॉडल की लिक्विड की बात करें, ज्यादातर जो इसके मॉलिक्यूल है वो स्पेस को ऑक्यूपाई करके रखते हैं पूरी तरह से. ठीक है, अब यहाँ पे कह रहे हैं कि क्योंकि ये लिक्विड है तो ज्यादातर तो क्या करते हैं, ऑक्यूपाई करके ही रखते हैं, पर इसका कुछ स्पेस जो है वो वेकेंट भी रहता है. जैसे इसके बीच में ये वाला स्पेस जो है वो वेकेंट भी रहता है. ठीक है, तो इस वेकेंट स्पेस को हम क्या कहते हैं, फ्री, या फिर वॉइड स्पेस को, या फिर वेकेंट स्पेस को हम क्या कहेंगे, यहाँ पे फ्री वॉल्यूम कहेंगे. क्या कहेंगे? फ्री वॉल्यूम कहेंगे. आयरिंग ने कहा कि लिक्विड के मॉलिक्यूल्स ज्यादातर अपना स्पेस ऑक्यूपाई करके रखते हैं, पर कुछ इनके मॉलिक्यूल्स के बीच में फ्री स्पेस भी होता है, फ्री स्पेस या वॉइड स्पेस भी होता है, और वो फ्री या वॉइड स्पेस जो है वो फ्री वॉल्यूम कहलाता है. क्या कहलाता है? फ्री वॉल्यूम कहलाता है. और ये फ्री वॉल्यूम कितना होता है? उसके टोटल का 3% होता है. क्या? उसका जो टोटल वॉल्यूम होगा, यानी कि पूरा जितना इसका वॉल्यूम है, ठीक है, इसका 3% वॉल्यूम जो है वो फ्री वॉल्यूम होता है लिक्विड में, या फिर उसे कहे कि ये क्या होता है, वेकेंट स्पेस होता है लिक्विड के केस में. ठीक है, वेकेंट स्पेस होता है. अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि आयरिंग का कहना था कि जो मॉलिक्यूल्स है या फिर जो लिक्विड्स है, ठीक है, उनका नेचर थोड़ा बहुत सिमिलर होता है, नेचर ऑफ लिक्विड इज बिट सिमिलर टू गैसेस.
ठीक है, जो गैसेस होती है उनसे थोड़ा बहुत जो है वो सिमिलर होता है, इनका जो अरेंजमेंट होता है मॉलिक्यूल्स का या इनका जो नेचर होता है वो थोड़ा बहुत सिमिलर होता है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं यहाँ पे, आप देखेंगे जैसे कि हमने विलयन पढ़े थे, सॉल्यूशंस पढ़े थे, तो उसमें भी कहा था कुछ भी हो जाए, आपने भले वाटर भी ले रखा है तो उसका कुछ ना कुछ पार्ट, कुछ ना कुछ उसका मॉलिक्यूल, कुछ ना कुछ उसका अंश जो है वो वेपर फेज में होता है, गैसेस फेज में होता है, हालांकि हमें आंख से दिखता नहीं है, ठीक है, पर वो होता है कुछ ना कुछ उसका पार्ट या फिर उसका अंश। ठीक है, तो यहाँ पे हम कह रहे हैं कि ये मान लो कि ये बीकर की तरह ना मान करके इसे मैं इस तरह से एक्सप्लेन कर रहे हैं, जब हम ठीक है थ्योरेटिकली एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो ये जो कह रहा है कि जो मॉलिक्यूल्स है लिक्विड के, ठीक है, इसके साथ साथ इसके कुछ गैस के मॉलिक्यूल्स भी होते हैं, और वो जो गैस के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो खुद को अरेंज करके रखते हैं, मतलब ज्यादा रैंडम नहीं होता इनका अरेंजमेंट। अब ये कंफ्यूज मत होना, आप कहोगे गैस का तो अरेंजमेंट ज्यादा रैंडम होता है, हमने तो पढ़ा है, ठीक है, तो वो होता है एक्चुअली, पर क्योंकि यहाँ पे मॉलिक्यूल्स बहुत ही कम है, मॉलिक्यूल्स बहुत ही कम है, क्योंकि हम बात तो किसके कर रहे हैं, लिक्विड की कर रहे हैं, ठीक है, पर इसका नेचर थोड़ा थोड़ा गैस जैसा होता है और लिक्विड में थोड़ा पार्ट गैस का होता ही है, ठीक है, वेपर के फेज में। तो क्योंकि इनिशियली जब कोई टेम्परेचर नहीं दिया जा रहा है उस टाइम पे, अगर पात्र बंद है उस केस में गैस के मॉलिक्यूल यहाँ पे बहुत ही कम है, ठीक है, तो इन मॉलिक्यूल्स का जो अरेंजमेंट होता है वो ज्यादा रैंडम नहीं होता है। देखो रैंडम होता है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल इसी तरीके से ये अरेंज है, ठीक है, पर ये क्या कह रहा है कि इन मॉलिक्यूल्स का अरेंजमेंट ज्यादा रैंडम नहीं होता है, जितना रैंडम लिक्विड के मॉलिक्यूल्स का होगा यहाँ पे उतना रैंडम या इनका अरेंजमेंट नहीं होगा वाष्प का, ठीक है। साथ ही हम कह रहे हैं कि जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ा देंगे, जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ा देंगे, वैसे वैसे ये जो टेम्परेचर बढ़ाने पर क्या होगा, ये जो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स होंगे वो क्या करेंगे, गैस में कन्वर्ट होने लगेंगे, ठीक है, ये लिक्विड क्या है, गैस में कन्वर्ट होने लगेगा, ओके। और जैसे ही गैस में ये कन्वर्ट होने लगेगा, आपको पता है कि यहाँ पे जो लिक्विड का मुक्त आयतन है, अब ये मान लो ये इधर चला गया, जैसे इसको टेम्परेचर मिला ये गैसेस मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो गया, गैसेस मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो गया, गैसेस मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो गया, तो होगा क्या बेसिकली, यहाँ पे जो फ्री स्पेस होगा, यहाँ पे जो फ्री स्पेस होगा ना उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी, फ्री स्पेस की वैल्यू क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, ठीक है, कहाँ पे, लिक्विड के उस पोर्शन में। इसको मैं वापस से बना देती थोड़ा, ये हमारे गैसेस मॉलिक्यूल है सारे, ठीक है, तो हम कह रहे हैं कि यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ते ही ये जो हमने फ्री स्पेस की बात करी थी, ये फ्री स्पेस ये क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है, टेम्परेचर बढ़ाने पर जो फ्री स्पेस है वो भी हमारा क्या हो जाता है, यहाँ पे इंक्रीज हो जाता है, क्लियर है, ठीक है। और जैसे ही फ्री स्पेस इंक्रीज होगा, हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे, तो ऑब्वियसली बात है यहाँ पे मॉलिक्यूल्स की संख्या भी बढ़ेगी, क्या होगा, वाष्प की मॉलिक्यूल्स की संख्या भी बढ़ेगी यहाँ पे, और जैसे ही यहाँ पे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बढ़ेंगे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इंक्रीज होंगे, तो डेंसिटी भी क्या इंक्रीज होगी, डेंसिटी भी इंक्रीज होगी यहाँ पे, और क्योंकि हमने टेम्परेचर दिया है और मॉलिक्यूल्स जो है गैसेस मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो रहे हैं, तो इसके लिए डेंसिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो यहाँ पे वापस से मैं थोड़ा सा इसको समराइज कर देती हूँ, वापस से आपको सब जो कंसेप्ट है वो बिल्कुल दिमाग में बैठ जाए उसके लिए। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने कहा कि लिक्विड है हमारे पास, लिक्विड के मॉलिक्यूल्स जो है वो अपना ज्यादातर स्पेस ऑक्यूपाई करके रखते हैं, पर उसका कुछ पार्ट जो है वो वेकेंट रहता है, जिसे हम फ्री या वॉइड स्पेस कहते हैं, ठीक है, ये फ्री वॉल्यूम भी कहलाता है, ओके। और ये फ्री वॉल्यूम कितना होता है, इसके टोटल स्पेस का 3% होता है। यहाँ पे क्योंकि गैसेस के मॉलिक्यूल कम है इसलिए ये लिक्विड के जितना रैंडम अरेंजमेंट नहीं होता है, पर जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाते हैं मॉलिक्यूल्स की संख्या, गैसेस या वाष्प या वेपर मॉलिक्यूल्स की संख्या बढ़ने लगती है, जिस वजह से यहाँ पे इसकी डेंसिटी बढ़ जाती है, गैसेस की वेपर की डेंसिटी बढ़ जाती है, ओके। और यहाँ पे
किसकी डेंसिटी कम होने लगती है, लिक्विड की डेंसिटी कम होने लगती है। अब डेंसिटी कम होने का मतलब क्या है कि यहाँ से मॉलिक्यूल गैस में कन्वर्ट हो रहे हैं, तो मॉलिक्यूल जैसे ही अपनी जगह छोड़ के जा रहे हैं तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे वॉइड स्पेस फिर से बढ़ने लगता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाता है, वॉइड स्पेस बढ़ जाता है। समझ में आ गई इतनी चीज? ठीक है, अब यहाँ पे जैसे ही कहा कि टेम्परेचर बढ़ाने पर डेंसिटी वेपर की तो बढ़ती है और लिक्विड की कम होती है। ठीक है, तो यहाँ पे हम कहेंगे कि एक ऐसा टेम्परेचर, यहाँ पे हम क्या कहेंगे, एक ऐसा टेम्परेचर धीरे धीरे क्या होगा, देखो ऐसा तो होगा नहीं, इसका इनिशियली डेंसिटी कम था, इसका इनिशियली डेंसिटी ज्यादा था, टेम्परेचर बढ़ाने पर इसका डेंसिटी बढ़ने लगा और इसका डेंसिटी घटने लगा। तो एक ऐसा टेम्परेचर जहाँ पे गैस की डेंसिटी भी बढ़ रही है और लिक्विड की डेंसिटी जो है वो घट रही है, गैस की डेंसिटी बढ़ रही है और लिक्विड की डेंसिटी घट रही है, तो एक ऐसा पॉइंट आएगा जहाँ पर ये लिक्विड और गैस की डेंसिटी एक दूसरे के बराबर हो जाएगी, लिक्विड और गैस की डेंसिटी एक दूसरे के बराबर हो जाएगी, उस टेम्परेचर को हम क्या कहेंगे, उस टेम्परेचर को हम कहेंगे क्रिटिकल टेम्परेचर, उस टेम्परेचर को हम क्रिटिकल टेम्परेचर। क्लियर है इतना? इतना समझ में आ गया? ठीक है, ओके। और यहाँ पर भी, यहाँ पे जो पूरा ये प्रोसेस होने तक, क्रिटिकल टेम्परेचर तक बढ़ने पर क्या होता है, हमें क्रिटिकल टेम्परेचर पर पहुँचने पर एक्चुअल में हम जो है वो डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते दोनों फेजेस में, क्या दोनों फेजेस लिक्विड और गैसेस फेजेस में डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते हैं जब हम कहाँ पे आते हैं, क्रिटिकल टेम्परेचर तक आ जाते हैं। ठीक है, ओके, तो यहाँ पे ये यहाँ तक बात हमने क्लियर कर दी। अब जो हम कह रहे हैं कि जो फ्री वॉल्यूम है, ओके, जो इनिशियली, ये तो हो गया इनिशियली, अब हम कह रहे हैं कि आयरिंग ने जो फ्री वॉल्यूम की बात की थी, वो आयरिंग ने कहा था कि लिक्विड में जो फ्री वॉल्यूम होता है बेसिकली वो क्या होता है, रैंडम होता है। लिक्विड में कोई अरेंजमेंट थोड़ी होता है कि अच्छा देखो ये है, ये यहाँ पे है, थोड़ा सा फ्री वॉल्यूम बना दिया, ये फिर वापस से यहाँ पे कुछ इस तरह का फ्री वॉल्यूम आ गया यहाँ पे, फिर जो है हमने कुछ अरेंजमेंट किया यहाँ पे इस तरह, नहीं ऐसा नहीं होता है। ठीक है, आयरिंग ने कहा कि लिक्विड में जो फ्री वॉल्यूम होता है वो क्या होता है, पूरी तरह से अनियमित होता है, रैंडम होता है। ठीक है, रिक्त स्थान के आकार के अनियमित होता है, रैंडम होता है और इनमें जो वॉइड्स होती है उनके आकार के बराबर होता है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे हम कह रहे हैं कि जो भी एटम, यहाँ पे हमने बनाया था, जो भी एटम हमारे वॉइड्स के बिल्कुल पास होगा, कहने का मतलब क्या है, सिंपल से देखो, जो भी एटम वॉइड्स के बिल्कुल ही पास होगा वो क्या करेगा, गैस की तरह बिहेव करेगा। यहाँ पे वो वाला डायग्राम नहीं बता रही हूँ, ठीक है, क्योंकि क्रिटिकल टेम्परेचर पर तो क्या हो गया है, क्रिटिकल टेम्परेचर पर आप डिफ्रेंशिएट नहीं कर पा रहे हो। ठीक है, अब यहाँ पे सब जो है इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश हो गया। अब क्या करते हैं कि जो भी वॉइड तो है और वॉइड क्या है, रैंडम वॉइड है जैसे मैंने आपको बताया। ठीक है, तो उन वॉइड्स के पास में जो भी एटम प्रेजेंट है वो एटम तो क्या करते हैं, वेपर की तरह एक्ट करते हैं। वॉइड्स के पास में जो एटम प्रेजेंट है, मान लो ये वॉइड थी, ठीक है, तो वॉइड्स के पास के एटम जैसे ये हो गया, ये तो क्या करता है, वेपर की तरह एक्ट करता है, वेपर एटम की तरह एक्ट करता है। ठीक है, पर वॉइड्स से जो दूर एटम है, यानी कि जो क्लस्टर में बने हुए हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, लिक्विड एटम की तरह एक्ट करते हैं, वो क्या करते हैं, लिक्विड एटम की तरह यहाँ पे एक्ट करते हैं। ठीक है, ओके, तो यहाँ तक ये क्लियर हुआ कि किस तरह से जब इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हो जाता है तो आप डिफ्रेंशिएट आप खुद से तो नहीं कर सकते इस तरह से, पर थ्योरी के अनुसार कहा गया कि वॉइड्स तो होगी, ठीक है, रैंडम वॉइड्स होगी, उन वॉइड्स के पास में जो एटम्स होंगे वो क्या करेंगे, वेपर की तरह एक्ट करेंगे, और वॉइड से दूर जो एटम होंगे वो क्या करेंगे, वो लिक्विड एटम की तरह एक्ट करेंगे यहाँ पे। ठीक है, ओके, अब हमें देखना है कि वॉल्यूम कितना ऑक्यूपाई किया हुआ है, गैसेस मॉलिक्यूल ने वॉल्यूम कितना ऑक्यूपाई किया हुआ, उस वॉल्यूम के बेसिस पे हम देखेंगे कि किस तरीके से उनकी कुछ प्रॉपर्टीज है
वो सिमिलर होती है। स्टार्टिंग में हमने क्या पढ़ा था, स्टार्टिंग में हमने यही तो पढ़ा था कि लिक्विड और सॉलिड की जो ऊष्माधारिताएं होती है ठीक है वो लगभग सेम होती है, पूरी तरह से नहीं कह सकते, लगभग जो है उनमें आप जो है रिलेट कर सकते हो एक दूसरे को ठीक है। तो यहाँ पे हम कह रहे हैं ये है आपका वॉल्यूम लिक्विड का, ये है सॉलिड का ठीक है। यहाँ पे हालांकि सॉलिड की बात नहीं हो रही है ठीक है, पर यहाँ पे जो भी मॉलिक्यूल बहुत पास पास होंगे एक तरीके से कहे तो यहाँ पे आपको क्या निकालना है, गैस का निकालना है, गैस का वॉल्यूम निकालना है ठीक है। तो वो गैस के वॉल्यूम या फिर गैस का अंश कितना होगा यहाँ पे वो आपको पता करना है। ओके, तो यहाँ पे हम कह रहे हैं कि ये क्या है लिक्विड का वॉल्यूम है और ये क्या है सॉलिड का वॉल्यूम है। तो हमारा जो पूरा सिस्टम होगा उसमें गैस का वॉल्यूम कितना होगा या फिर गैस के जो अणुओं का जो फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ गैसेस वो कितना होगा, तो वो बेसिकली आप कहते हैं कि यहाँ पे वी एल माइनस वी एस बाई वी एल ठीक है, जो भी उस लिक्विड की ठोस फेज है या फिर सॉलिड फेज है ओके, उस समय उसका जो सॉलिड फेज में वॉल्यूम होता है और उसका जो लिक्विड फेज में वॉल्यूम होगा, तो लिक्विड फेज के में से सॉलिड फेज के वॉल्यूम को माइनस करके उसमें लिक्विड के वॉल्यूम से उसे डिवाइड करते हैं, तो आपको उस पर्टिकुलर कंपाउंड के लिए या मॉलिक्यूल्स के लिए या लिक्विड के लिए आपको क्या मिल जाता है, उसके गैसेस फेज में उपस्थित अणुओं का फ्रैक्शन मिल जाता है ठीक है। तो ये तो क्या हुआ, ये तो हमारा हुआ फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ गैसेस इन दैट सिस्टम ओके। और जो रेस्ट जो बचा पीछे बचा ठीक है वो क्या बचा, वो बचा वी एस बाय वी एल वॉल्यूम ठीक है, वो क्या बचा वी एस बाय वी एल वॉल्यूम, यानी कि आप कह सकते हैं वी एल माइनस वी एस बाय वी एल किसके बराबर होता है, 1 माइनस वी एस बाई वी एल, एक ही बात है ठीक है। जो पीछे क्या बचा वी एस बाई वी एल यहाँ पे बचा हुआ है ओके। तो ये है बचा हुआ आयतन जो कि ठोस के समान होता है ओके। अब यहाँ पे आपको लिक्विड पढ़ रहे हैं तो लिक्विड के ही कुछ गुणधर्म बताने हैं आपको किस बेसिस पे, ये जो हमें सॉलिड, ये जो हमारे पास सॉलिड का फ्रैक्शन था और ये जो हमारे पास गैस का फ्रैक्शन था, उन दोनों को यूज करके आयरिंग और रीन है, आयरिंग रीन नाम के साइंटिस्ट ने जो मोनोएटॉमिक या फिर आप कहें हाँ मोनोएटॉमिक फॉर मोनोएटॉमिक लिक्विड्स एक फॉर्मूला दिया ऊष्माधारिता का या फिर कहें आप हीट कैपेसिटी का, ये क्या है वी एस बाई वी एल 3 R, डायरेक्ट आपको याद रखना है इसे वी एस बाई वी एल 3/2 R। एक्चुअल में क्या है, जो भी आपकी मोनोएटॉमिक गैस होती है ना, सॉरी मोनोएटॉमिक जो लिक्विड होगा उसकी जो ऊष्माधारिता होगी या फिर हीट कैपेसिटी होगी, उसके लिए आयरिंग और री ने मिलके एक फॉर्मूला दिया जिसमें कि सॉलिड का वॉल्यूम उसने कंसीडर किया और साथ ही साथ गैस का वॉल्यूम कर, आप डायरेक्ट लिक्विड का वॉल्यूम जो है कंसीडर नहीं कर पाते हैं, लिक्विड जैसे कि हमने पहले भी पढ़ा इन दोनों के बीच की स्टेट होती है ठीक है। तो सॉलिड का उसने वॉल्यूम कंसीडर किया और इस सॉलिड के वॉल्यूम की हेल्प से उसने क्या किया, लिक्विड का वॉल्यूम कंसिडर किया, लिक्विड का सॉरी फ्रैक्शन कंसिडर किया, ओहो सॉलिड का फ्रैक्शन कंसिडर किया एंड देन गैस का फ्रैक्शन कंसिडर किया और उसके बेसिस पे उसने क्या किया हीट कैपेसिटी यहाँ पे जनरेट कर दी ओके। तो यहाँ पे ये फॉर्मूला आपको डायरेक्ट याद रखना है, इसके लिए डेरिवेशन नहीं करना है ओके। चलो
तो यहाँ पे मैं आपको वापस से इसको थोड़ा सा रिवाइज करवा देती हूँ, यहाँ से रिपीट कर देते हैं हम इसको, समराइज कर देते हैं। सबसे पहले यहाँ तक आपको पूरा क्लियर हो गया होगा क्या था, राइट? उसके बाद हमने क्या किया है, उसके बाद हमने एक्सप्लेन किया है कि जब ये क्रिटिकल टेम्परेचर पर हम पहुंच गए थे, उसके बाद मॉलिक्यूल्स आपस में क्लस्टर के फॉर्म में इस तरह से होते हैं, और जो फ्री स्पेस होता है उसके पास जो वॉल्यूम होता है, उसके पास जो एटम होता है, वो क्या करता है, एज अ वेपर एटम एक्ट करते हैं, और फ्री स्पेस से जो दूर एटम होते हैं वो लिक्विड एटम की तरह एक्ट करते हैं। और क्योंकि यहाँ पे फेजेस के बीच में आप डायरेक्टली डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते हैं, तो आपको यहाँ पे गैसेस के मॉलिक्यूल का फ्रैक्शन जो है वो डिटरमाइन करना पड़ेगा। उसके लिए आपको लिक्विड का वॉल्यूम चाहिए होगा और सॉलिड का भी उस कंपाउंड के लिए वॉल्यूम चाहिए होगा, ठीक है? तो यहाँ पे इस फॉर्मूले द्वारा आप मॉलिक्यूल फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ गैसेस जो है वो डिटरमाइन कर लेंगे। उसके साथ ही आपको सॉलिड का जो फ्रैक्शन है वो भी जो है वो डिटरमाइन हो जाएगा, और इन दोनों फ्रैक्शन को ही यूज करके आयरन और री ने जो है मोनोएटॉमिक लिक्विड के लिए एक हीट कैपेसिटी का फॉर्मूला दिया, जो ये फॉर्मूला था। ओके, क्यों दिया इसने, क्योंकि पहले भी बताया गया है कि लिक्विड क्या है, दोनों के बीच की फेज है, और आयरिंग ने क्या कहा, गैस से उसको रिलेट किया, आयरिंग ने क्या किया, गैस से रिलेट किया। आयरिंग ने पहले ही कहा कि लिक्विड जो है थोड़ा बहुत जो है गैस की तरह एक्ट करता है, और जैसा कि हमें पहले पता है सॉलिड की जो ऊष्मा धारिताएं होती है या जो हीट कैपेसिटी होती है वो लिक्विड के समान होती है। तो उसने उस दोनों फैक्टर को यूज करके री और आयरिंग ने लिक्विड्स की हीट कैपेसिटी के लिए एक फॉर्मूला यहाँ पे दे दिया, ठीक है? तो ये थी पूरी थ्योरी आयरिंग की। थोड़ी सी कंफ्यूजिंग आपको लगती होगी, ओके, पर इसका मतलब ये नहीं है कि ये पूरी तरह से सही है। आज बहुत कुछ बदल गया है, ठीक है? ये इनिशियली ये थ्योरीज दी गई थी सारी, तो आपको समझने में दिक्कत भी हो सकती है क्योंकि आप रिलेट नहीं कर पाते इन चीज़ों को, ओके? तो ये उस तरह उस टाइम पे ये थ्योरीज दी गई थी, राइट? अब इसका कोई इतना औचित्य है नहीं आज के टाइम में, राइट? पर हमेशा ये ध्यान रखना, हर थ्योरी में कुछ पॉइंट जरूर होता है, एक आध पॉइंट। पूरी थ्योरी कभी सही नहीं आपने पढ़ी होगी केमिस्ट्री में भी, ठीक है? एक के बाद एक थ्योरी आती रहती है चीज़ों को क्लियर करने के लिए, पर हर थ्योरी में कुछ न कुछ एक पॉइंट ऐसा होता है जो आगे भी बढ़ता है, उसी को लेके आगे भी स्टडी की जाती है। तो हर पॉइंट में यहाँ पर होता है, जैसे कि यहाँ पे एक पॉइंट है, यहाँ पे हीट कैपेसिटी का है ना, होती है। थर्मोडायनेमिक्स प्रूव कर चुका है कि हीट कैपेसिटी जो है वो सॉलिड के लिक्विड के लगभग समान हो सकती है। क्लियर यहाँ पे? ओके, थैंक यू। आज की क्लास में इतना ही।